वो कहते हैं ना कि इंसान का जो पहचान होता है वो उसके काम से ही होता है। खैर, एक बढ़िया एक कंसेप्ट मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। देखिएगा क्वेश्चन क्या बता रहा है। यहां पे बोल रहा है कि ए मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। अच्छा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। और ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करना चाहिए, आपके पास चार पांच मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो मेथड होगा वो आपको बड़ा ही प्यारा लगेगा। इफ इज इनकम इंक्रीजेस बाय 28%। अच्छा, अब यहां पे जो कहानी है वो एक नया कहानी बन जाता है, और यहां तक जो कहानी रहता है वो अलग सा ही है। ए मैन स्पेंड 75% इनकम, यानी ये रियल वाला कहानी है, और यहां पे जो कहानी चल रही है फिक्सिशियस कहानी चल रहा है, यानी कल्पना वाला, यानी अगर वो करता तो ऐसा होता, अगर नहीं करता तो फिर ऐसा होता। तो अगर इनकम अगर वो 28% बढ़ा देता और एक्सपेंडिचर को भी वो 20% बढ़ा देता, तो उसका सेविंग्स में क्या इंक्रीज या डिक्रीज होता, ये तो सवाल पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए। आपको पता है कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो जो आउटपुट आ रहा है उसको बीच में रखा जाता है, ठीक है ना। तो पहले तो ये बताइए कि एक्सपेंडिचर यहां रखा और सेविंग्स यहां रखा। अगर सवाल में जैसे बोल रहा है कि 75% ऑफ हिज इनकम को वो क्या करता है, स्पेंड कर देता है, तो रियल वाला कहानी है ये। स्पेंड कर देता है मतलब 75 उसका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, तो सेविंग उसका क्या होगा, 25 होगा। इतना तो कहानी आपको समझ में आया, ठीक है। अभी जो फिक्शियस कहानी चल रहा है, कल्पना वाला, यानी इनकम अगर वो 28% बढ़ा देता है, तो देखो अभी जो है इनकम और इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को मिला के होता है, दैट इज इनकम मिल रहा है, दैट मीन्स इनकम यहां पे होगा, बीच में रखा जाएगा। बात समझ में आया ना। तो यहां पे इनकम जो है 28% की वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ रहा है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताइए कि सेविंग्स क्या होगा, सेविंग्स ये वाला हालत क्या होगा, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, अब ये ऊपर वाला रियल कहानी जो है ये मेरे को रियल रेशियो देगा नीचे, यानी ये 3 से कटा और ये 1 से कटा, यानी नीचे का जो रेशियो आएगा ये 3 और 1 का रेशियो आएगा। इतना कहानी समझ में आया आप सभी को, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यहां पे एक और चीज जो आपको बता रहा है कि ये डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो ये 8 आएगा, यानी ये 8, 1 का वैल्यू 8, तो 3 का वैल्यू क्या आएगा 24, 3 का वैल्यू क्या आएगा 24। अब इन दोनों को क्या सब्सट्रैक्ट करूं कि मेरे को ये वाला मिलेगा, मत बताइएगा 28 माइनस 24, दैट इज 4 हो जाएगा, गलत है, क्योंकि ये जो बीच का जो वैल्यू रहता है ना, इन दोनों के बराबर में रहता है, यानी इन दोनों के बीच में रहता है, यानी 20 और 4 के बीच तो 28 तो नहीं आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि 24 प्लस 28 करूंगा तो 52 आएगा। सो 52 माइनस 28 करूंगा तो देखो 24 आएगा, और इन दोनों को बीच फंस रहा है, यानी सेविंग्स कितना बढ़ना चाहिए, 52% बढ़ना चाहिए। ऐसे वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैं तो चाहता हूं कि आप ऐसे टेक्निक सीखें, काम देता है ये सब चीजें। नमस्कार।